फारूक सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? देखिए इस मुआहदे से पहले पाकिस्तान को दो बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश थे। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो डिफॉल्ट को रोकने का था, डिफॉल्ट को अवॉइड करने का था। अवाम का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का था। तो जो डिफॉल्ट का इशू है वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगले 9 महीने के लिए टल गया है। हुकूमत कामयाब हुई है उस डिफॉल्ट को डिले कर देने में, डॉज करने में। लेकिन जो अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ है वो और बढ़ते हुए नजर आता है। इस मुआहदे के तहत 8 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएंगे। जो पेट्रोलियम लेवी है जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया जाता है वो 55 रुपए फी लीटर हो जाएगा। शराय सूद हम ऑलरेडी 22-23 पे ले जा चुके हैं और स्टेट बैंक को एक बड़ा वाजे पैगाम आईएमएफ ने दिया है कि उसकी मुदाखलत जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो मुकम्मल तौर पे बंद होनी होगी। इसका जो बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा है वो पिछले 8 महीने में जो सियासत की बुनियाद के ऊपर इस मुआहदे को डिले किया गया। देखिए ये मुआहदा नवंबर 2022 में हो जाना चाहिए था, तो इन 8 महीनों के दौरान एक बहुत बड़ी माशी कीमत मुल्क को चुकानी पड़ी है और मेरा तखमीना ये है कि वो कीमत लगभग 8 अरब डॉलर की है। हुकूमत ने माशी फैसला किया लेकिन सियासी बुनियाद के ऊपर किया और सियासी बुनियाद की वजह से वो 8 महीने का जो डिले है उसकी माशी कीमत अब 26 करोड़ पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। तो जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि 100 जूते और 100 प्याज।